आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि यूपी में शनिवार को 24 घंटे में 1092 केस मिले, जबकि 120 मरीजों की जान गई है। यूपी में एक्टिव केस की संख्या घटकर 19,438 रह गई है, तो वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 97.6% हो चुका है। राज्य में अब तक 1,62,42,637 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। जो हमारे पीक केसेस थे एक्टिव इन्फेक्शन के 30 अप्रैल को 3,10,783, उसकी तुलना में अब जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 19,438, ये 93.75% की गिरावट है। कुल डिस्चार्जेस अब तक 16,56,763 हो गए हैं, अर्थात इतने लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 97.6% हो गया है, 97.6%। तो उत्तराखंड में कोरोना के ग्राफ में गिरावट देखने को मिली है। शनिवार को 24 घंटे में 619 नए मरीज मिले हैं। शनिवार को 24 घंटे में 16 लोगों की जान गई। प्रदेश में अब सिर्फ 17,305 एक्टिव केस हैं। शनिवार को 24 घंटे में 2,531 मरीज स्वस्थ हुए। देहरादून की बात की जाए तो 127, हरिद्वार में 98, नैनीताल में 83, पौड़ी गढ़वाल में 23, पिथौरागढ़ में 20 नए मरीज।